हमारे किचन में बन रही है काशीफल की सब्जी। काशीफल की सब्जी या पंपकिन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, और काशीफल उर्दू में कहते हैं इसको। तो काशीफल को ही मैंने बारीक टुकड़ों में, पतले पतले टुकड़ों में काट लिया था, और इसके जो छिलके हैं वो मैंने ऐसे पतले पतले काट लिए हैं। ऊपर से गोल मिर्चे लिए हैं मैंने 6 अदद, और जीरा लिया है 1 टी स्पून, और नमक लिया है 1 टी स्पून, 6-7 हरी मिर्चें ली हैं छोटी 1 टी स्पून, मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है 1 टी स्पून, मैंने हल्दी ली है, और 2 मैंने प्याज ली है छोटी मीडियम साइज की, और ये इमली का पेस्ट है, और ये 3 अदद टमाटर है मीडियम साइज के। तो चले आइए सबसे पहले हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, ये डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इस सब्जी को कद्दू की सब्जी भी कहते हैं, ये कद्दू की सब्जी के नाम से बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग इसे कद्दू की सब्जी कहते हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। हमने ब्राउन करके निकाल लिया, हम इसमें डाल देंगे जीरा, गोल मिर्चे, देखिए व्यूअर्स अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए व्यूअर्स हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी कद्दू की सब्जी। इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया था, ऐड कर देंगे वाले पीसेस भी जो हमने फ्राई किए हुए थे। अब इसको ढक के मध्यम आंच पे रख दिएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं, और हमारी कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखें गल चुकी है अच्छी तरह। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा गुलावा बनाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा गुलावा पसंद है, और अगर आपको गुलावा नहीं पसंद है तो आप इसको खड़ा भी रख सकते हैं। तकरीबन आप इसे 5 मिनट ढक के रख दिएगा, आपकी जो कद्दू की सब्जी तैयार हो जाएगी। और बाद लोग इसको कलौंजी से भी भगाते हैं, तो मैंने ये न्यू स्टाइल की बनाई है, तो आप ये घर में बनाइएगा फिर बताइएगा कि कैसी बनी है। आप इसमें लास्ट हम डालेंगे इमली का पेस्ट और हरी मिर्च, इमली का पेस्ट और हरी मिर्चें डालकर अब हम इसे 5 मिनट के लिए या 1 मिनट या 2 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमारी कद्दू की भुजिया तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करें।